दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X2 के बारे में। देखिए दोस्तों, पोको X2 का बहुत सारा वीडियो देखा होगा, कैमरा और टच नहीं काम करने का। मैंने भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। कैमरा और ये प्रॉब्लम आने के बाद इसको रिवॉल्व किया गया था। रिवॉल्व करने के बाद फिर से ये मोबाइल डेड हो गया। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल रिवॉल्व करने के बाद चालू था, अभी टोटली डेड हो गया, तो उसको कैसे ठीक करोगे? या तो अगर आपका कैमरा प्रॉब्लम है, या तो आपका टच काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे प्रॉपरली ठीक करोगे, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपका मदरबोर्ड जो है टोटली डैमेज होगा। उसके बाद जहां पे 1-2 हजार में बन जाने वाला चीज है, वहां आपका 10-12 हजार रुपया लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां मर्जी वहां शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पोको X2। और ये जो पोको X2 है, मेरे पास लेके आया था बनाने के लिए, और मैंने बोला भाई 2000 रुपया लगेगा, तो वो मेरे पास से बोला कि मैं थोड़ा दिन बाद आता हूँ, अभी पैसा नहीं है। और तब उसका क्या हो रहा था ना, कैमरा काम नहीं कर रहा था, टच काम कर रहा था। उसके बाद उसका टच काम नहीं किया, उसने मेरे पास नहीं लाया, कहीं पे दूसरा जगह में दिखाया और रिवॉल्व भी कर दिया। रिवॉल्व करने के बाद तो मोबाइल रेडी भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रेडी हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद, ज्यादा नहीं 15-20 दिन के बाद, फिर से डेड हो गया। जब डेड हुआ, उसके बाद फिर उसके पास लेके गया, तो बोला भाई फिर से 2000-3000 रुपया खर्चा होगा, और आपका मोबाइल अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ भी वो केस हुआ है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, या तो क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपका पोको X2 है, या तो पोको X3, पोको X3 प्रो है, मैं ये तीनों मोबाइल बनाता हूं और अभी भी बना रहा हूं। अगर आपके पास ऐसा कुछ मोबाइल है जिसमें कि डेड हो चुका है, पोको X3, पोको X2, पोको X3 प्रो, तो आप हमारे पास बेच के प्रॉपर रिपेयर करा सकते हो। मतलब हम लोग 15 डेज के जैसा वारंटी पीरियड भी देते हैं, अगर उसके अंदर डेड हो जाता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बना के तो देते ही हैं। लेकिन और एक चीज, अगर आपका ऐसा वाला हुआ है, मतलब आपने रिवॉल्विंग किया था, उसके बाद आपका मोबाइल डेड हो गया, जहां पे आपने बनाया था वहां और मत दिखाइए, या तो और रिवॉल्व मत कीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर काम नहीं जानता है। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल प्रॉपर रिवॉल्विंग होगा तो आराम से 6 महीना 1 साल तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं चलता है, तो रिवॉल्व अगर बार बार कर रहा है, एक बार करने के बाद दोबारा रिवॉल्व किया, तीसरा बार रिवॉल्व किया, उसके बाद अगर मोबाइल ऑन नहीं होता है, तो वो रिवॉल्व ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपका जो टेक्नीशियन है, जहां पे आप दिखा रहे हो, वो प्रॉपर काम करके आपको नहीं दे रहा है, या तो प्रॉपर काम उसको नहीं पता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपका पोको X2, X3, X3 प्रो डेड हुआ है, या तो कैमरा का प्रॉब्लम हुआ है, और आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप में जाकर रिवॉल्विंग करते हो, उसके बाद अगर ऑन नहीं होता है, सोचना मत कि आपका आईसी खराब है। आईसी खराब होने से लगाया जा सकता है, लेकिन वो आपका आईसी को खराब कर देता है। तो ये ध्यान रखना, सही जगह में रिपेयर करना। अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ कॉल करके, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक, मतलब नंबर है, उधर मुझे डायरेक्ट कॉल करो, कॉल करके मोबाइल भेज के रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है, क्या नहीं करना है? अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ, आपका व्हाट्सअप में, फेसबुक में, जहां पे भी मर्जी शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।